हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में 3 नंबर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक के जितने भी 3 नंबर वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब का पोस्टमार्टम बहुत ही आसानी से करेंगे और सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया गया बच्चों। और गारंटी लेता हूं, इस बात की 100% गारंटी है, आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आज के बाद इन सारे टॉपिक को आप भूलोगे ही नहीं। और वैसे भी बच्चों आपको पता होना चाहिए जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में हम बात करें तो बच्चों ये 12 क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले। इस हिसाब से यानी 70 में से तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर वाला ही होगा, जिसमें बच्चों अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं टिप्पणी करके देगा, 1-2, 1.5-1.5 नंबर का, मतलब 2-2 टिप्पणियां पूछेगा, ठीक। और बाकी इसमें 6 से 7 तो इस तरह से होते हैं कि जिनका थोड़ा मतलब आंसर जो होता है उत्तर थोड़ा वो लंबा होता है, फिगर वगैरह बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन जो है, ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि असंग जनन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए बच्चों, हम हमेशा से एक बात बोलते हैं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हर एक टॉपिक हर साल पूछा जाता है। अब हर एक टॉपिक हर साल का मतलब यह है कि इतने ज्यादा सेट बनते हैं बच्चों, और एक चैप्टर में भाई कुल मिलाकर के किसी में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी में 10 है, किसी में 6 है, किसी में 4 ही है, तो 7 सेट बनते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं, इसमें थोड़ा यूनिक करेगा, इधर उधर घुमाएगा, इसलिए ये पूरे ठोस होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बच्चों किसी ना किसी साल नहीं बल्कि हर साल पूछा गया है, ठीक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा ना सोचिएगा कि हाँ किसी साल आया है किसी साल नहीं, आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे हर साल मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन है कि असंग जनन क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है, ठीक है। चलिए तो असंग जनन क्या है, अब देखिए यहां से आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन का भी फायदा हो जाता है और 1 नंबर वाले क्वेश्चन कभी कभार कहेगा केवल बोलेगा असंग जनन क्या है, ठीक, तो 1 नंबर में पूछा जाएगा। अगर पूछ लेगा बच्चों असंग जनन कितने प्रकार का होता है, केवल प्रकार, तो ये 2 नंबर वाले में बन जाएगा। असंग जनन क्या है उदाहरण देकर पूरा आपको व्याख्या करना है यानी इसका वर्णन करना है, तब ये 3 नंबर में बन जाएगा, तो फायदा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं असंग जनन। देखिए असंग जनन क्या होता है, ये हमें पता है बच्चों जनरली कोई भी, ठीक, अधिकांशता क्या होता है कि कोई भी पौधा हो, ठीक है ना, उसमें अगर एक नया प्लांट्स नए पौधे का निर्माण होता है तो उसमें प्रोसेस क्या होता है कि उसमें भाई संलयन प्रक्रिया होती है, ठीक। उसमें क्या होता है यानी संलयन प्रक्रिया होती है, अर्थात कहने का मतलब उसमें लैंगिक जनन वगैरह ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब जाकर के एक नया पौधा बनता है। लेकिन अगर इसी का अपोजिट हो जाए, कहने का मतलब बच्चों बिना लैंगिक जनन, मतलब जब इसमें हम बात करें तो लैंगिक जनन भी ना हो, जब लैंगिक जनन, युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही बच्चों नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं, ठीक है ना। जब क्या होता है कि जब पौधे में लैंगिक जनन या फिर कह लें युग्मक संलयन, मतलब युग्मकों का मिलना, ठीक, या फिर अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही यानी इनके बिना ही जब किसी नए पौधे का जन्म हो जाता है यानी नया पौधा तैयार होता है तो इस प्रक्रिया को ही असंग जनन कहते हैं। और असंग जनन की खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था बच्चों, और असंग जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक, कौन कौन, तो पहला है बच्चों कायिक जनन। अब कायिक जनन किसे कहते हैं हमें पता है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन आपने पढ़ा होगा कि जब भाई किसी भी पौधे का निर्माण जैसे कलिका वाला भाग हो गया शाखाओं से होता है, ठीक है, तो ये कायिक जनन, कायिक जनन इसे कहते हैं जो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। जैसे भाई गुलाब की क्या है, गुलाब की शाखा को हम काट करके उसके जमीन में लगा देते हैं, या गन्ना वगैरह होता है तो उसको भी हम काट करके ऐसे लगाते हैं, आलू में भी आपने देखा होगा तो भाई उसको भी काट करके उसकी बुआई होती है, तो ये होता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो जो असंग जनन होता है 2 प्रकार का, पहला कायिक जनन, इस प्रकार के जनन में क्या होता है बच्चों किसी कलिका से,
ठीक किसी कलिका से या जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है उससे नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है ना। यानी किसी कलिका वाले भाग से नए पौधे का निर्माण होता है और इस क्रिया में बच्चों बीज का निर्माण नहीं होता। देखा होगा गन्ना हो गया, आलू हो गया, इसमें बीज नहीं बनते हैं, ठीक। तो इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है जैसे में गन्ना और आलू। और दूसरी जो प्रक्रिया है, दूसरा क्या है, अनिषेक बीजता। देखिए नाम ही है अनिषेक, यानी बिना निषेचन के ही, ठीक। तो अनिषेक बीजता क्या है, इसको कभी कभार एक नंबर में पूछ लेता है, इसे अनिषेक बीजता की परिभाषा लिखिए। तो अनिषेक बीजता क्या होता है बच्चों, तो इस प्रकार का ठीक प्रजनन बीज द्वारा होता है। यानी जो अनिषेक बीजता में, इसमें प्रजनन बीज के द्वारा ही होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ठीक। यानी इनमें क्या होता है कि जो प्रजनन होता है बीज द्वारा ही होता है, लेकिन बीज के निर्माण में अगर हम बात करें बच्चों, तो संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन ये प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है। क्लियर हो गया कि असंग जनन क्या है। तो हमने बताया कि जब बिना लैंगिक जनन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के बिना, या फिर बच्चों मतलब संलयन के बिना ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाए, तो वो होता है असंग जनन। असंग जनन बच्चों दो प्रकार का, कायिक और अनिषेक बीजता। कायिक में हमने क्या बताया, इसमें किसी कलिका से नए पौधे का जन्म हो जाता है तो वो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन होता है। अनिषेक बीजता में इसमें प्रजनन तो बीज द्वारा ही होता है, लेकिन बीज के बनने में जो संयुग्मन यानी संलयन जो होता है और अर्धसूत्री विभाजन, ये प्रक्रिया नहीं होती है। क्लियर बच्चों, चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन बड़े ही मजेदार किस्म के हैं, सारे क्वेश्चन बच्चों एक से बढ़कर एक हैं, ठीक। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को तो हमने इसके पहले भी करवाया है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दें बच्चों, ज्यादातर क्वेश्चन हमने बायोलॉजी में करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो भाई जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए बच्चों, वहां पर सारी वीडियो है। और ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको फिर से रख लिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई एक बार बताया है तो दोबारा नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक। इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा से ज्यादा हम चर्चा करेंगे। 2022 में भी आया था, 23 में भी पूछा गया था, ठीक है। इससे संबंधित दो तीन क्वेश्चन आए थे 23 में। तो क्वेश्चन है कि परागण क्या है, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, ठीक। परागण क्या है और इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए कि ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए बच्चों, परागण पॉलिनेशन होता क्या है कि जब किसी पुष्प के, ठीक, पराग कण, भाई पुष्प का जो भी मतलब नर वाला जो भाग होता है कि उसमें से पराग कोष से पराग कण निकलकर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे दो प्लांट हैं, ठीक, दो प्लांट हैं, इसको हमने समझाया था अच्छे से। जब इसी पुष्प का पराग कण निकलकर इसी पुष्प में आ जाए, ठीक, या फिर एक पौधा इधर है, ठीक, इस वाले पुष्प का पराग कण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो इस प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। पराग कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना परागण कहलाता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा। हमने क्या बताया बच्चों कि पराग कण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही परागण कहलाता है, ठीक। तो परागण क्या हो गया, बाकी आप लिखना चाहते हैं परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है, कि पराग कोष में बने पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना होती है उसको अपन परागण कहते हैं, ठीक। अब परागण के बाद प्रक्रिया क्या होती है, बदलाव। तो बच्चों परागण के बाद जो पुंकेसर होता है और दल, ये गिर जाता है, ठीक। यानी पुंकेसर और जो दल होते हैं गिर जाते हैं, और बाह्य दल या तो बच्चों गिर जाता है, ठीक, या फल में लिप्त हो जाता है, यानी फल में एकदम चिपक करके गायब समझ में हो जाता है, ठीक है। अब परागण दो प्रकार का होता है, पहला है स्व परागण, ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन। स्व परागण क्या होता है, देखिए स्व का मतलब ही होता है अपने आप। जब बच्चों किसी, जैसे हमने अभी बताया ना एक एग्जांपल के थ्रू इस तरह से, ठीक, मान लेते हैं कि इसमें पुष्प लगा है, ठीक। अब स्व परागण, देखिए आप केवल इस फिगर को समझ लीजिए बस बच्चों, आपको वहां पर देखने की जरूरत है ही नहीं, इसको भी परिभाषा वगैरह कुछ भी नहीं बच्चों,
कुछ भी नहीं समझना ज्यादा। अब देखिएगा स्वपरागण होता क्या है सेल्फ पॉलिनेशन में, कि जब किसी जब किसी पुष्प के पराग कण, मान लेते हैं कि इस पुष्प का पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में रह जाए या फिर उसी जाति के सॉरी मतलब उसी पौधे के दूसरे पुष्प में चला जाए तो यह होता है स्वपरागण। स्व का मतलब अपने आप में ही, ठीक। इसमें होता क्या है कि किसी भी मतलब जो पौधा होता है उसके फूल का परागकण उसी फूल में रह जाए या उसी पेड़ के बच्चों दूसरे फूल में पहुंच जाए तो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, ठीक है। ये होता है स्वपरागण। परिभाषा लिखेंगे कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, हमने वही तो बताया उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा बच्चों उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प यानी इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये होता है स्वपरागण। चलिए जल्दी पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए तो भाई इसको तो हमने अच्छे से समझा है इसलिए इसको थोड़ा तेजी से बताते चल रहे हैं। अब देखिए बच्चों दूसरा है परपरागण। परपरागण में होता क्या है तो परपरागण के लिए एक ही जाति के दो पौधे में इसमें परागण होता है, ठीक है। परपरागण के लिए जैसे हमने यहां पर क्या किया एक फूल ये बन गया, ठीक, एक पौधा यहां पर बन गया इसमें फूल लगे हुए हैं, ठीक। और इसी मतलब एक इसी जाति का बच्चों कोई दूसरा पौधा है दूसरा फूल, ठीक, कोई दूसरा फूल है इसी जाति का, ठीक। पर का मतलब ही होता है दूसरा, ठीक, दूसरा। और इसमें बच्चों मान लेते हैं कि ठीक ये पत्तियां वगैरह लगी हैं, है ना, थोड़ा लगना चाहिए कि फूल वगैरह है, ठीक, ये चीज। तो मान लेते हैं कि इसमें क्या है ये पत्तियां उत्तियां लग गई हैं, है ना। बहुत बड़े कलाकार तो हम नहीं हैं लेकिन जो भी हैं दिख रहा है, ठीक। अब देखिए बच्चों इसमें होता क्या है पर परागण, पर परागण में होता क्या है, पर परागण में जब किसी एक पुष्प के, ठीक, इसमें का परागण, जब किसी एक पुष्प के पराग कण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ठीक है ना, उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस घटना को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, बोले तो पर परागण कहते हैं। अब इसके लिए बच्चों कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। मान लेते हैं कि यहां पर जो माध्यम है वो क्या है, ये भाई किसके द्वारा, तो ये तितली के द्वारा ये पहुंच रहा है। मान लेते हैं कि भाई इसको ये जो पराग कण है, ठीक, इनको ले जाने के लिए मतलब इनको कौन ले जा रहा है, तो इनको ले जा रही है कोई रंग बिरंगी तितलियां, है ना, ये चीज, ठीक। तो ये समझना इसमें होता क्या है, तो इसमें बच्चों कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक, पर परागण के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पर परागण क्या होता है कि जब किसी एक पुष्प के, ठीक है, इस पुष्प का परागकण जब क्या होता है उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के परागकण मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ठीक, उसी जाति, गेंदा है तो गेंदा का होना चाहिए, ठीक, मटर का है तो मटर का होना चाहिए, ठीक, इस तरीके से। तो बच्चों जब क्या होता है कि किसी पुष्प के मतलब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प मतलब उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, ठीक, यानी मादा वाले भाग पर जब पहुंच जाता है बच्चों तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पर परागण। इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। परिभाषा आप लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे कि जब किसी एक पुष्प का जो पराग कण होता है, यहां पर पराग कण है, पराग कण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं बच्चों तो इस घटना को पर परागण कहते हैं, ठीक। और पर परागण के लिए पुष्प को माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। कहने का मतलब बच्चों इसमें माध्यम का, तो भाई इसमें देखिएगा चमगादड़ द्वारा भी हो जाता है, ठीक, चमगादड़ द्वारा भी होता है, उसके बाद वायु द्वारा परागण होता है, ठीक, जल के द्वारा भी परागण होता है, ठीक, वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण, कभी कभार ऐसे पूछ लेता है कि वायु परागण किसे कहते हैं, तो वायु के द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण, जिनमें हवा बहती है परागण उड़ते हैं दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं उसी जाति में,
जैसे हो गया भाई गन्ना, जिसमें सॉरी गन्ना नहीं बल्कि जैसे गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक, धान हो गया, तो इसमें वायु परागण होता है। ठीक, तो जल द्वारा जिसमें भाई बात करें तो जल जैसे बेलिसनेरिया हो गया, ठीक, तो इसमें हाइड्रा हो गया, तो जल परागण होता है। ठीक, तो ये जल के द्वारा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो भी वायु हो गया, जल हो गया, ठीक, कीट परागण भी होता है, जंतु परागण भी होता है परागण। तो इस तरह से इनमें माध्यम की जरूरत होती है। अब 2023 में बच्चों जो एक क्वेश्चन पूछा था वो कुछ इस कदर पूछा गया था कि पर परागण स्व परागण की अपेक्षा अधिक उपयोगी होता है, क्यों? ठीक, क्या रीजन होता है? यानी जो पर परागण होता है वो स्व परागण से ज्यादा बेहतर होता है, क्यों, रीजन क्या है? ये 2023 में ये भी क्वेश्चन एक सेट में पूछा गया था। एक में तो डायरेक्टली भाई परागण क्या है, परागण के प्रकारों का वर्णन कर, ऐसे पूछ लिया था। दूसरे में कि पर परागण स्व परागण की अपेक्षा अधिक उपयोगी माना जाता है, इसका रीजन क्या है? देखिए बच्चों, इसका कारण क्या है कि जो पर परागण द्वारा तैयार पौधे होते हैं ना, एक तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, उसमें नए लक्षणों का विकास होता है, ठीक है ना, मतलब ये चीज होता है, ठीक, और उसमें जो भी फल वगैरह लगते हैं अत्यधिक मतलब वो बड़े होते हैं। तो ये कुछ कारण है, ठीक, इसलिए जो पर परागण होता है वो स्व परागण की अपेक्षा अधिक उपयोगी माना जाता है। बस इतनी सी बात है रसगुल्लों, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, स्व परागण पर परागण दोनों क्लियर हो गया। जब एक ही भाई पौधे में या फिर कुछ मतलब कोई एक ही फूल के अंदर हो जाए तो वो स्व परागण, पर परागण में उसी जाति के दो पौधों के बीच में होता है वो पर परागण, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन रसगुल्लों भाई इसको तो स्टार लगा दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा साल नहीं जब ये ना पूछा जाए बच्चों। शुक्र जनन, देखिए अंड जनन, अंडाणु जनन एक बार हमने बताया है, इसलिए अब की बार शुक्र जनन रखा है, ठीक। जो भी टॉपिक बचेंगे सबका निपटारा होगा। शुक्र जनन या इसी को बोलते हैं बच्चों शुक्राणु जनन, ठीक। वैसे तो ये बहुत सारे बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट डोंट वरी, आज ऐसा बताएंगे ना सारा का सारा जो डाउट है ना वो गायब हो जाएगा, ठीक। शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, सबसे पहले जान लेते हैं शुक्र जनन किसे कहते हैं। तो बच्चों शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को ही शुक्र जनन या शुक्राणु जनन कहते हैं, यानी शुक्राणुओं का जनन, जनन का मतलब पैदा होना, ठीक। और शुक्राणु पैदा कहां होते हैं तो शुक्र जनन नलिकाओं में, शुक्र जनन नलिकाएं होती कहां है, ठीक, वृषण में, लीडिंग कोशिकाओं में। तो शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। एक परिभाषा लिखना चाहेंगे तो वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं द्वारा शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया जो होती है बच्चों वो शुक्राणु जनन या शुक्र जनन होती है। अब जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है वो तीन स्टेप में होती है, ठीक। फिगर इसका अगर समझ गए ना तो ये सब लिखने का इतना ड्रामा जरूरत ही नहीं, हालांकि लिखना पड़ेगा बच्चों, लेकिन ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। फिगर अभी समझाते हैं अच्छे से। देखिए पहली अवस्था होती है गुणन अवस्था, ठीक, जो शुक्राणु जनन होता है वो तीन स्टेप में बनता है, यानी जो स्पर्म होता है बच्चों शुक्राणु होता है वो उसके बनने के लिए तीन चरण होते हैं, यानी तीन स्टेप होते हैं। पहला होता है गुणन अवस्था। अब देखिए गुणन अवस्था क्या होता है, तो गुणन अवस्था में होता क्या है बच्चों, इस अवस्था में जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये द्विगुणित होते हैं, बोले तो 2n, ठीक। जो गुणन अवस्था होता है, इस अवस्था में जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है ना, ये क्या बनती है, शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक, और ये द्विगुणित होती हैं, तो पहले चरण में, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, इस अवस्था में जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, दूसरे स्टेप में ये पोषक पदार्थों का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। दूसरे स्टेप में यही क्या करती हैं, पोषक पदार्थों
का को ग्रहण करके इनका आकार बड़ा हो जाता है, यानी ये जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी हो जाती है, आकार में वृद्धि, तथा ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है, यानी ये प्राथमिक कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक, ये चीज होता है। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, चलिए उसके लिए पहले आपको ये स्क्रीनशॉट करना पड़ेगा, तब तीसरा स्टेप समझते हैं, फिर हम इसको पूरा फिगर से समझाते हैं। ठीक, चलिए बच्चों हो गया। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में ध्यान देना बच्चों, तीसरे स्टेप में होता क्या है कि इस अवस्था में जो प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं हैं उनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तथा फिर से इनमें अर्धसूत्री विभाजन होकर के पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है, और यही पूर्व शुक्राणु कोशिका बच्चों बाद में शुक्राणुओं का निर्माण कर देती हैं। चलिए अब इसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले बच्चों 2n द्विगुणित, अब हमने यही तो बताया ना, सबसे पहले भाई गुणन अवस्था में होता क्या, इसमें जो शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें, मतलब जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं उनमें से शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, और ये क्या होती हैं, द्विगुणित। तो ये बच्चों जो 2n बना ये शुक्र जनन, ये है क्या, ये है शुक्र जनन कोशिका, ये शुक्र जनन कोशिकाएं हैं। ठीक, ये कौन सी अवस्था चल रही है बच्चों, तो ये पहली अवस्था है गुणन अवस्था। ठीक है ना, गुणन अवस्था। फिर इसमें होता क्या है, तो भाई इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, इसमें बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री होता है। ठीक है ना, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक, ये चीज देखिए बच्चों, ठीक कहां गया भाई, एक मिनट। हाँ, इस अवस्था में शुक्र जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री नहीं, समसूत्री विभाजन होता है और शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, वही चीज। ठीक, तो यहां पर बच्चों ये समसूत्री विभाजन ही होता है, यानी 2n ही होता है। ठीक, समसूत्री विभाजन होता है, और इसमें बच्चों भी, इसमें भी जब समसूत्री विभाजन में, ठीक, इनमें जब विभाजन होगा तो ये एक कोशिका यहां पर बन जाएगी। ठीक, इसमें क्योंकि अब अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें बच्चों क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना, देख सकते हैं क्या है भाई, दूसरी अवस्था में होता क्या है कि दूसरी अवस्था में, इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है बच्चों, जब इसमें विभाजन हो जाएगा, ठीक, ये 2n है, ये 2n है, ये 2n है, 2n, अब यहां पर जो कोशिका होगी ये पोषक पदार्थों का संचय करके आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक, और ये जो अवस्था होता है बच्चों इसी को बोलते हैं अपन वृद्धि अवस्था। ठीक, वृद्धि अवस्था होता है, और इसको कहते क्या है, तो ये जो होता है बच्चों ये होता है प्राथमिक कोशिका, प्राथमिक, ठीक, ये प्राथमिक कोशिका होती है। ठीक, तो ये पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। अब जब बच्चों ये जब आकार में बड़ी हो जाती है तो उसके बाद होता क्या है भाई, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, यानी ये अब की बार बच्चों n में हो जाएगा, इधर भी होगा अर्धसूत्री विभाजन, यानी ये भी n हो जाता है। ठीक, तो ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है बच्चों। ठीक, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब उसके बाद जब फिर से इसमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों। ठीक, इसमें क्या होता है, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इनसे बनती क्या है, तो इनसे बनती है द्वितीयक कोशिकाएं। ठीक, ये क्या होती हैं, तो ये द्वितीयक कोशिकाएं होती हैं, द्वितीयक। ठीक,
यही तो कह रहा है ना, क्योंकि इस अवस्था में ये तीसरी अवस्था जो है बच्चों ये आ गई है परिपक्व अवस्था। तो इस अवस्था में प्राथमिक शुक्राणु मतलब जो ये शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं या शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं, इनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ये पहला जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ बच्चों, ठीक, इनसे क्या है द्वितीयक, देखिएगा द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक, ये किससे, यानी द्वितीयक ये मतलब कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब द्वितीयक कोशिकाओं का निर्माण होता है बच्चों तो इन्हीं के द्वारा, ठीक, इन्हीं के द्वारा कहा गया भाई, हाँ इन्हीं के द्वारा ये क्या बन जाएंगी, पूर्व शुक्र कोशिकाएं बनती हैं या पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं, ये जो आपको दिख रही है ना ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं, और इन्हीं के द्वारा बाद में बनता क्या है, इन्हीं से बच्चों बाद में स्पर्म यानी शुक्राणु बनता है। ठीक, इन्हीं के द्वारा यानी शुक्राणु बनता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चार स्पर्म यानी एक जो ये कोशिका होती है प्राथमिक कोशिका से चार शुक्राणु बनते हैं। ठीक, यहां पर आप देख रहे हैं कि इन्हीं के द्वारा बच्चों चार स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है शुक्राणु, ठीक, शुक्राणु, और ये कौन सी अवस्था है, तो ये है परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी अवस्था है बच्चों, तो भाई पहली अवस्था कौन सी अवस्था है, गुणन अवस्था, ये दूसरी अवस्था वृद्धि अवस्था, ये तीसरी परिपक्व अवस्था। मतलब ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो इसका फिगर ही है। देखिए जो भी हमने बताना, ये जो रटने वाली चीज है बच्चों, ये तो रटने वाली जो चीज बताया है हमने इधर भाई, कि होता क्या है कि इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, इसके द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये द्विगुणित होती हैं। वृद्धि अवस्था में ये शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं, ठीक, और इन्हीं से प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यही चीज तो हम इसमें दिखाए हैं बच्चों। तो यहां पर होता क्या है भाई, पहले क्या हुआ, ठीक, ये गुणन अवस्था में इसमें शुक्र जनन नलिका से शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये द्विगुणित होती हैं। ठीक, अब इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन के बाद होता क्या है बच्चों, ठीक है, वृद्धि अवस्था में ये आकार में जो मतलब आकार में होती क्या है, ये पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, इनसे बच्चों प्राथमिक जनन कोशिका मतलब प्राथमिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद इसमें होता क्या है तीसरे स्टेप में, तो इस स्टेप में प्राथमिक जो ये शुक्र जनन कोशिका होती हैं, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, देख लेंगे, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों, इसके द्वारा आगुणित, देख रहे होंगे आगुणित द्वितीयक शुक्राणु जनन, ये है ना आगुणित ये द्वितीयक शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती हैं, और इन्हीं में फिर से जब बच्चों क्या होता है विभाजन होता है, फिर से अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो ये पूर्व शुक्राणु मतलब ये कहां गई भाई, ये इधर का है, तो इसमें पूर्व ये पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है और यही बाद में ये शुक्राणु का निर्माण कर देती है, यानी इन्हीं से शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। तो सबसे जरूरी बच्चों इसको इसका जो फिगर है वो है, ठीक, इसका फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बच्चों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परख नली शिशु पर टिप्पणी लिखिए, ठीक, और ये भी बच्चों 2022 में तो ये 4 से 5 सेट में आया था, 2023 में ना इसको एकदम गैप कर दिया गया, हालांकि एक सेट में पूछा गया था, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये हमेशा कम से कम 3 से 4 सेट में, 2 सेट में तो मिनिमम 2 सेट में दिखाई ही देता है, तो इसलिए 2024 में पूरा मूड बनाकर भाई ये फेंकेगा, बहुत सारे सेट में ये दिखाई पड़ेगा। ठीक, परख नली शिशु या इसी को IVF तकनीक कहते हैं, इंट्रा मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक, IVF भी कहता है बच्चों,
ठीक, या इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहता है, या इसी को पात्रे निषेचन कहता है, या इसी को अंतः पात्रे निषेचन कहता है, कई नाम है। हमने क्या बताया, परख नली शिशु कहेगा, या कहेगा टेस्ट ट्यूब बेबी पर टिप्पणी लिखिए, या कहेगा आईवीएफ तकनीक पर टिप्पणी लिखिए, या फिर कहेगा पात्रे निषेचन पर टिप्पणी लिखिए, या फिर कहेगा अंतः पात्रे निषेचन पर टिप्पणी। तो चार से पांच तरीके से इसको पूछ सकता है। देखिए बच्चों, परख नली शिशु होता क्या है, इतना पहले आपको देखने की जरूरत है नहीं, ये तो बस भाई आप चुटकियों में इसको याद कर लोगे, रटने की जरूरत है नहीं। हमने भाई हमेशा हम ये बोलते हैं कि बायोलॉजी रटा नहीं जाता, बस समझने वाला सब्जेक्ट होता है। देखिए होता क्या है, जो ये परख नली शिशु होता है या आईवीएफ तकनीक, उन पति पत्नी के द्वारा ये भाई प्रयोग में लाया जाता है जिनको संतानें नहीं होती हैं, ठीक है ना, जिनको संतानें नहीं होती। लेकिन ये भाई ऐसे केसेस में प्रयोग किया जाता है जब महिला के भाई, जब क्या होता है, महिला के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, मतलब फीमेल में कोई प्रॉब्लम हो, उसमें अंडाणु ना रिलीज हो, अंडाणु ना बन रहे हो, या फिर भाई मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो कि उसमें स्पर्म का निर्माण ना हो रहा हो, या फिर दोनों में बंद तो रहे हो लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन ना हो रहा हो, तब ऐसे केसेस में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब समझ लेते हैं कि आईवीएफ तकनीक में करते क्या है। देखिए बच्चों, इसमें किसी भी पुरुष के शुक्राणु को, ठीक, कोई भी पुरुष, अब भाई चाहे दाता पुरुष हो या भाई कोई अगर पति पत्नी है, तो इसमें जो पुरुष होता है उसके शुक्राणु को, पुरुष के शुक्राणु को और ठीक महिला के अंडाणु को, कोई महिला है उसके अंडाणु को, ठीक, निकाल लेते हैं, ठीक है ना, मतलब बॉडी से निकाला जाता है, ठीक। तो इसमें क्या करते क्या भाई, किसके द्वारा निकालते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी विधि होती है, उसमें मतलब जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी होती है, ठीक, उसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी नहीं बच्चों बल्कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी होती है उससे, ठीक। तो इसमें करते क्या है कि पुरुष के शुक्राणु को निकालते हैं और महिला के अंडाणु को, निकालने के बाद जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है यानी जितना शरीर के अंदर का तापमान होता है, उतने ही टेम्परेचर पे शुक्राणु को और अंडाणु को दोनों को क्या कराते हैं, निषेचित करा देते हैं, मिला देते हैं। कहां पे बच्चों, तो एक परख नली में, परख नली में यानी लैब के अंदर, लैब के अंदर बच्चों क्या करते हैं, समझ में आया बच्चों, इसमें करते क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको ARP कहते हैं, ठीक। इसमें वही चीज कि जो बंध दंपति होते हैं भाई, जिनमें अगर हम बात करें, जो ऐसे पति पत्नी जिनके संतान नहीं होती हैं, ठीक, तो उनको संतान का सुख देने के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां होती हैं, तो उन्हीं विधियों में से एक है IVF तकनीक। इसमें करते क्या है, तो सहायक जनन जो प्रौद्योगिकी या सहायक जनन तकनीकी द्वारा पुरुष में क्या करते हैं, स्पर्म को निकालते हैं, ठीक, और उसके बाद भाई महिला के अंदर क्या करते हैं, उसमें से जो अंडाणु होते हैं उनको निकालते हैं। निकालने के बाद जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे लैब के अंदर बच्चों इनको एक परख नली के अंदर निषेचित करा दिया जाता है। जब इनमें निषेचन हो जाएगा, जाइगोट बन जाता है युग्मनज, तो उसे क्या करते हैं, यानी उससे जो भ्रूण तैयार होता है उसको फिर से महिला के अंदर यूट्रस में स्थापित कर देते हैं, ठीक, जहां पर उसका पालन पोषण एक नॉर्मल बेबी की तरह होता है, नॉर्मल भ्रूण की तरह होता है, फिर उसका जन्म एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह होता है। ये होता है IVF टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, किसमें बच्चों, IVF टेक्नोलॉजी के अंदर। तो लिखेंगे क्या, अब देखिए एकदम क्लियर हो जाएगा कि परख नली शिशु तकनीक, ठीक, मतलब परख नली शिशु या IVF तकनीक जो होती है, ऐसे दंपतियों द्वारा, दंपति का मतलब पति पत्नी, ऐसे दंपतियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है बच्चों, जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता, ठीक, वही हो सकता है, वही चीज हमने बताया ना कि जिनमें हो सकता है कि भाई महिला के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, कि स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता, या पुरुष के वीर में शुक्राणु की संख्या में कमी पाई जाती है, मतलब पुरुष के अंदर या तो कोई कमी हो या तो महिला के अंदर कोई कमी हो, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं बच्चों, इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या फिर दाता, कोई भी दाता स्त्री है, ठीक, मतलब जो डोनेट कर रही है, तो उसके अंडाणु को
पुरुष या किसी दाता पुरुष के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर शरीर के आंतरिक तापमान जितने तापमान पर, यही कि भाई जितने टेम्परेचर पर अंदर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उतना ही टेम्परेचर लैब के अंदर जनरेट करते हैं, ठीक, तो उतने तापमान में बच्चों प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से परख नली में इनको निषेचित कराया जाता है, ठीक है। इसीलिए इस प्रक्रिया को अंतःपात्रीय निषेचन भी कहते हैं, क्योंकि पात्र के अंदर यानी परख नली के अंदर यह चीज होता है, ठीक। इसके बाद तैयार जो भ्रूण होता है बच्चों, भ्रूण को महिला के अंतः गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जहां पर गर्भावधि पूर्ण, ठीक, जो भाई गर्भ अवधि होती है यानी उसका जो काल होता है, ठीक है ना, तो गर्भावधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है, ठीक, मतलब जो जब 9 माह का वक्त बीत जाता है तो स्त्री क्या होती है उस बच्चे को नॉर्मल तरीके से जन्म देती है। इस प्रकार से प्राप्त जो शिशु होता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु कहते हैं। क्लियर हो गया है ना, मजेदार एकदम आसान है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ये काफी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि मेंडल का नियम, इस अगर हम बात करें इससे रिलेटेड, मतलब इस चैप्टर में बच्चों मेंडल से संबंधित तीन या चार सेट में क्वेश्चन आए थे 2023 में। एक तो आया था कि मेंडल ने मटर का ही मतलब चयन क्यों किया था, कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था, भाई आप सबको भी पता है कि मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, तो एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों एक सेट में कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था। देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझ लीजिए, अगर आप भी जाए ना आप छाप दोगे। देखिए बच्चों मटर के पौधे का चयन करने का कुछ प्रमुख कारण है। पहला, मटर एक वर्षीय पौधा, यानी कम समय में ही उसके बारे में ज्यादा जानकारी आ जाएगी। दूसरा, इसे छोटे से स्थान में भी उगाया जा सकता है, चाहे आप घर में गमले में उगा दो चाहे वैसे भी, ठीक। तीसरा, इसमें फूल व फल अधिक लगते हैं इसलिए ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलेगी, ठीक है। चौथी चीज बच्चों, इसमें स्वपरागण आसानी से हो जाता है। और पांचवी चीज ये है कि इसमें कृत्रिम परागण भी आसानी से कराया जा सकता है, ये पांचवी चीज हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद छठवीं चीज क्या है, इसमें एक समय में एक से अधिक लक्षणों के बारे में पता चल जाता है कि फली का रंग, फूल का रंग, तने की लंबाई क्या कैसे है, 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया था आपको भी पता है। तो ये कुछ कारण है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही प्रयोग क्यों किया था अपने प्रयोग के लिए, ठीक। चलिए लेकिन हमारा यहां पर क्वेश्चन जो है वो है कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% लिखकर इसको रख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या होता है, ठीक। तो इसको देखने की जरूरत है नहीं, इतना ज्यादा नहीं समझना है। मेंडल ने हमेशा से अपने एक्सपेरिमेंट 2 विपरीत लक्षणों का चयन किया था और इसमें उन्होंने प्रभावी को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से बड़े अक्षरों में दर्शाया था प्रभावी को, और अप्रभावी को छोटे अक्षरों से दर्शाया था, ठीक। जैसे इन्होंने अपने प्रयोग में किया क्या कि मेंडल ने सर्वप्रथम 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों का चयन किया। एक ले लिया जैसे शुद्ध लंबा, ध्यान से समझना बच्चों, एक शुद्ध लंबा, ठीक, एक शुद्ध लंबा ले लिया और दूसरा शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, तो एक शुद्ध लंबा हो गया, दूसरा शुद्ध बौना। शुद्ध लंबे को हम मान रहे हैं कि कैपिटल टी, दोनों भाई इसका जो लक्षण है वो है कैपिटल टी, और शुद्ध बौने वाला जो है वो दोनों स्मॉल टी, हमने बताया ना कि इसका जो विपरीत होगा वो स्मॉल, और दोनों के बीच क्रॉस करा दिया जाए। क्रॉस का मतलब होता है बच्चों संकरण, ठीक। तो दोनों के बीच हम मान रहे हैं क्या है, संकरण करा दे रहे हैं, ठीक। जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो ये हमने करा दिया बच्चों संकरण, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसको F1 पीढ़ी, तो इस पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न होंगी वो क्या होंगी, संकर लंबे, संकर का मतलब होता है हाइब्रिड, तो ये संकर लंबे होंगे,
जिसमें अगर हम बात करें बच्चों तो इसका जीन जो होगा वो प्रभावी होगा कैपिटल टी और इधर का एक स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो होता है, ठीक है, ये बच्चों ये वाला जो लक्षण होता है वो प्रभावी होता है, ठीक, और ये वाला जो लक्षण होता है बच्चों ये अप्रभावी होता है, ठीक, अप्रभावी। तो अब समझिएगा, मतलब बस क्लियर हो गया, इसको बोलते क्या है बच्चों, तो ये है F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, ठीक, F1 पीढ़ी की ये संतानें हैं। तो मेंडल ने किया क्या, प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर, इन्होंने क्या कराया कि भाई दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करा दिया बच्चों, ठीक, जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच इन्होंने संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दिए उन्हीं को प्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक, और जो लक्षण नहीं दिखाई दिए उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो अप्रभावी वाले लक्षण को दबा देता है, ठीक। तो लिखेंगे क्या बच्चों कि इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, विपरीत लक्षण का मतलब ये शुद्ध लंबा है पौधा मटर का और ये एक शुद्ध बौना पौधा है, हमने मटर का ले लिया, तो दो विपरीत लक्षण हो गए, तो दो विपरीत लक्षण के बीच बच्चों जब कह रहा संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, यानी जो पहली पीढ़ी होती है उसको F1 पीढ़ी कहते हैं, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण। तो भाई इसमें लंबा है ना, तो किसका लक्षण दिखाई दिया, इसी का तो दिखाई दिया, तो ये क्या हो गया, मतलब जो लक्षण दिखाई देता है उसको कहते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण बच्चों नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही जो नियम है, यही नियम है प्रभाविता का नियम। क्लियर हो गया ना, अब इससे आसान तो भाई हमारे ख्याल से हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे बच्चों, और ये डायग्राम भी आप अपने को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहा है ये नियम, ठीक। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ना और भी मजेदार है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मेंडल के पृथक्करण नियम को उदाहरण देते हुए समझाइए। ये तो बच्चों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या होता है। देखिए पृथक्करण का नियम या फिर इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहता है, याद रखना बच्चों युग्मकों की शुद्धता का नियम, बोलेगा मेंडल के युग्मकों की शुद्धता का नियम लिखिए, ठीक, या बोलेगा पृथक्करण का नियम लिखिए। अब देखिए ये नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिए, फिर इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो बच्चों इस नियम के अनुसार किसी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और एक युग्मक में जीन युग्म का केवल एक ही जीन पहुंचता है, अर्थात युग्मकों की जो शुद्धता है बनी रहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ऐसे भी नहीं समझ में आया, चलिए डायग्राम से समझते हैं ना, उसका भी सॉल्यूशन है, वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी जीन युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक, क्योंकि इसमें जो अनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण कौन करता है उसको बोलते हैं जीन, जो कारक निर्धारित करता है उसी को जीन कहते हैं, इसे अनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है, ठीक। तो वही कह रहा है कि किसी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय, ठीक, जब जाइगोट बनता है तो उसके समय कह रहा है कि एक दूसरे से ये अलग होते हैं, ठीक है, और एक युग्मक में जीन युग्म का यानी उस जोड़े से एक ही जीन वहां पर पहुंचता है, और इसी प्रकार युग्मकों की शुद्धता जो है वो बनी रहती है, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि हमने इसमें इसके पहले जो एग्जांपल बताया उसे समझते हैं, जैसे शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध लंबा, याद रखना एक शुद्ध लंबा और दूसरा बच्चों हमने क्या किया, शुद्ध बौना, ठीक, दूसरा शुद्ध बौना पौधा ले लिया, ठीक है, एक शुद्ध लंबा, इसको कैपिटल टी दोनों से लिखेंगे और ये है दोनों स्मॉल टी, ये शुद्ध बौना है, हमने क्रॉस करा लिया, ठीक, यानी दोनों में हमने कराया संकरण। तो बच्चों जो F1 पीढ़ी में है
F1 पीढ़ी में हमें पता है भाई, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। F1 पीढ़ी में बच्चों जो संतानें आएंगी वो क्या होंगी, संकर। संकर ये लंबे पौधे होंगे, ठीक, यानी हाइब्रिड होंगे। संकर लंबे पौधे, ठीक, जिसको कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इसमें बच्चों इसी पौधे के बीच में जब हम फिर से क्या करा दें, स्वपरागण, स्वपरागण करा दें, ठीक, यानी जो पौधे हुए जैसे शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच में जब संकरण कराया गया तो जो F1 पीढ़ी में यानी पहली पीढ़ी की संतानें उत्पन्न हुई वो सभी की सभी संकर लंबे होंगे। संकर का मतलब हाइब्रिड, ठीक, हाइब्रिड क्वालिटी के होंगे, ठीक है ना। लेकिन जब संकर लंबे वाले जो पौधे होते हैं उनके बीच में ही यानी उसी में फिर से स्वपरागण करा दिया जाए तो जो दूसरी पीढ़ी होती है बच्चों उसमें ध्यान देना, दूसरी पीढ़ी में उसमें सभी के लक्षण दिखाई पड़ेंगे, अर्थात युग्मकों की जो शुद्धता है वो बनी रहेगी। अब इसमें बच्चों आपके ध्यान देना, इसमें आपके शुद्ध लंबे भी हो जाएंगे, ठीक, शुद्ध लंबे पौधे भी दिखेंगे बच्चों, और दूसरा यहां पर संकर लंबे भी होंगे, संकर लंबे भी होंगे, और दूसरा हो जाएगा शुद्ध बौने, शुद्ध बौने। तो मतलब देख रहे हैं बच्चों कि दूसरी पीढ़ी में भाई F1 जो पीढ़ी है, ये जो पीढ़ी है बच्चों इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में आपने देखा तो सभी संतानें संकर लंबी। जो F2 पीढ़ी है तो F2 पीढ़ी में इसमें क्या हुआ, तो इसमें सभी लक्षण दिखाई पड़े और इनमें जो रेशियो हो जाएगा बच्चों वो 1:2:1 पूछा जाता है कभी कभार, ठीक, पूछा जाता है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम में मतलब जो पौधे होते हैं उनके बीच का अनुपात, मतलब जो ये शुद्ध लंबा फिर संकर लंबा बौने का अनुपात पूछा जाता है तो 1:2:1 के अनुपात में ये, ठीक, सब उत्पन्न होते हैं। मतलब इसमें शुद्ध लंबे वाले भी लक्षण दिखाई देंगे, शुद्ध बौने वाले भी लक्षण दिखाई देंगे, बाकी संकर लंबे वाले भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो नियम होता है इसको बोलते हैं पृथक्करण का नियम, यानी सबके अलग अलग लक्षण दिख जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों जल्दी इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक, ये है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, काफी इंपॉर्टेंट है और एकदम सरल तरीके से बताएंगे, है ना, कोई ग्राफ वगैरह इसमें नहीं होगा, एकदम हलवा होगा, बस इतना समझिएगा। देखिए बच्चों मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होते, भाई हमें पता है कि लिंग का निर्धारण करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन होते हैं, गुणसूत्र। अगर पूछ लिया जाए कि भाई गुणसूत्र होता क्या है, गुणसूत्र क्या है, तो गुणसूत्र बच्चों एक प्रकार के ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, ठीक, जिनकी संरचना धागेनुमा होती है, बट अपने को वहां पर नहीं जाना है। हमें तो मतलब है कि भाई मनुष्यों में, ठीक, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यानी लिंग की पहचान, लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि भाई लड़का है, मतलब कब लड़के का जन्म होता है, कब लड़की का जन्म होता है, ठीक है बच्चों। देखिए मनुष्य में अगर हम बात करें तो 46, ठीक, गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र, या अगर हम बात करें तो इसको हम 23 जोड़ी बोल सकते हैं। एक जोड़ी में होते क्या है, पेयर होता है, यानी जोड़ा का मतलब डबल, ठीक। आप जाते हैं एक जोड़ी जूते लेने, चप्पल लेने, तो भाई एक थोड़ी देगा, एक जोड़ी का मतलब दो होता है ना। तो ये हम 46 बोल दें या फिर 23 जोड़ी कह दें, क्या कह दें बच्चों, 23 हम जोड़ी कह सकते हैं, ठीक, 23 जोड़ी 46। अब ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं इसमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक तो होता है बच्चों दैहिक या कायिक गुणसूत्र, दूसरा होता है, ठीक, दूसरा जो गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र, ठीक, दूसरा जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। अब देखिए बच्चों जो दैहिक या कायिक गुणसूत्र होता है ये 22 जोड़ी होता है, 22 जोड़ी, या फिर इसको हम 44 ऐसे लिख सकते हैं, संख्या में 44 लिख सकते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र होता है ये एक जोड़ी होता है,
एक जोड़ी या फिर संख्या में हम इसको दो लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझना, जो गुणसूत्र होते हैं दो प्रकार के, एक तो दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र, दूसरा लिंग गुणसूत्र। ठीक, अब इसमें होता क्या बच्चों कि 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान होते हैं, यही जो दैहिक होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो नर व मादा में दोनों में बच्चों समान होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि जो एक जोड़ी, मतलब एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है बच्चों, इसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, अर्थात यही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। ठीक, ये जो 22 जोड़ी होते हैं ये तो मेल फीमेल में बराबर होते हैं, लेकिन एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, यानी जो दो गुणसूत्र होते हैं, वही पूरा का पूरा सेक्स ही चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो मादा में क्या होता है, एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है। ठीक, दोनों मादा में दोनों एक ही होता है, एक्स एक्स, और पुरुषों में एक्स और वाई होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है बच्चों कि युग्मक जनन के समय, युग्मक जनन के समय यानी जब युग्मक का निर्माण होता है, जैसे पुरुषों में शुक्राणु का, महिलाओं में अंडाणु का, तो युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, यानी एन, आगुणित का मतलब एन होता है, जिसमें स्त्री में बने हुए युग्मक क्या होते हैं, 22 प्लस एक्स, महिला के अंदर जो अंडाणु बनता है वो होता है 22 प्लस एक्स, जबकि पुरुषों में बच्चों दो प्रकार के युग्मक, एक तो 22 प्लस एक्स होता है और दूसरा 22 प्लस वाई होता है। ठीक है ना, दोनों क्या होता है, पुरुषों में अलग होता है, तो ये दो युग्मक हो जाते हैं। अब उसके बाद जब निषेचन होता है रसगुल्लों, तो निषेचन के समय, ध्यान से समझिएगा, निषेचन के समय ठीक नर से प्राप्त जो शुक्राणु होता है, जब अंड से यानी अंडाणु से मिल जाता है, तो युग्मनस 44 प्लस एक्स एक्स बन जाएगा। ठीक, यानी जो शुक्राणु, शुक्राणु का मतलब यहां पे पुरुष के क्या है, 22 प्लस एक्स होता है, सॉरी यहां 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। जब महिला का 22 प्लस एक्स पुरुष के 22 प्लस एक्स से मिल जाएगा, तो 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद जब महिला का ये जो युग्मक होगा 22 प्लस एक्स पुरुष वाले के 22 प्लस वाई से जुड़ जाएगा, तो 44 प्लस एक्स वाई बन जाता है। ठीक है ना, और इसी मतलब इसी, ठीक कहां गया भाई, मतलब इस प्रकार जो लिंग का निर्धारण होता है वो शुक्राणु से होता है, वो शुक्राणु निर्भर करता है ना कि लड़का होगा कि लड़की, इसीलिए कहते हैं ठीक कि लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, यानी नर के गुणसूत्र, क्योंकि भाई इसमें दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और महिला में दोनों युग्मक सेम होते हैं। तो जब पुरुष का 22 प्लस एक्स महिला के 22 प्लस एक्स से मिल जाएगा, तो लड़की का जन्म हो जाता है, यानी 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, और ये लड़की का जन्म होता है। अब जब पुरुष का 22 प्लस वाई लड़की के 22 प्लस एक्स से मिल जाता है, तो 44 प्लस एक्स वाई हो जाता है, तब किसका जन्म हो जाता है, तब लड़के का जन्म होता है। ठीक है ना, इस बात को समझ लेना बच्चों अच्छे से भाई, जब 44 प्लस एक्स और एक्स, ठीक यानी लड़की का 22 प्लस एक्स और लड़के का 22 प्लस एक्स, दोनों युग्मक मिलते हैं ना, तो ये 44 प्लस एक्स एक्स यानी लड़की का जन्म हो जाता है बच्चों। ठीक, तब यानी पैदा होने वाली क्या होगी, लड़की होगी। और जब बच्चों होता क्या है इसमें का, यानी लड़की का, ठीक यानी मादा का जो होता है 22 प्लस एक्स पुरुष के 22 प्लस वाई से मिलता है, तो ये 44 प्लस एक्स वाई बन जाता है, तब क्या होता है, लड़के का जन्म होता है, तब जन्म लेने वाला क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है ना, तो ये चीज होता है, इस प्रकार सेक्स का प्रीडिटरमिनेशन होता है, निर्धारण होता है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा अपने को उलझना नहीं है बच्चों, एकदम आसान तरीके से इस तरह से लिखेंगे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये है कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार का होता है। ठीक, आरएनए कितने प्रकार का होता है वर्णन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसमें बच्चों इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। 2023 में भाई एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया था, अंतरण आरएनए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे उलझ गए थे, बोले थे सर आपने बताया ही नहीं था, उनको ये भी नहीं पता कि अंतरण आरएनए क्या होता है, शायद आपको भी ना पता हो, अभी हम बता रहे हैं।
ठीक है। देखिए तो कह रहा कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्णन करना है, ठीक, इसके बारे में लिखना है कि कौन आरएनए क्या करता है। ठीक, देखिए आरएनए क्या है भाई, आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, जिस तरह से डीएनए होता है उसी तरह से आरएनए भी एक आनुवांशिक पदार्थ है। बाकी अगर हम बात करें बच्चों तो यह अधिक अणुभार वाली, ठीक, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डीएनए से अलग होती है, क्योंकि डीएनए में दो धागे होते हैं, इसमें एक ही धागा होता है, ठीक है ना। और इसमें बच्चों डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्थान पर राइबोस शर्करा होती है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है, तो इसमें क्या होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा पाई जाती है, और इसमें बच्चों थायमीन क्षार के स्थान पर यूरेसिल क्षार होता है, ठीक, इतना डीएनए से मतलब ये भिन्न होता है। अब हम बात करें बच्चों तो कार्य के आधार पर जो आरएनए होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आर आरएनए, ठीक, आर आरएनए, आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए कहता मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन पूछा गया था ना अलग अलग करके, ऐसे पूछ लेगा बच्चों आर आरएनए पर टिप्पणी लिखिए, ठीक, ये आपका एक नंबर में या दो नंबर में ऐसे पूछ लेगा। तो आर आरएनए होता क्या है, इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए होता क्या बच्चों, तो यह आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं, यानी आरएनए की जो संरचना होती है प्रमुख रूप से राइबोसोमल आरएनए से ही होती है, क्योंकि बच्चों यह क्या करता है, कुल आरएनए का 80% लगभग 80% भाग कौन बनाता है, आर आरएनए बनाता है। और यह केंद्रक में कहां पाया जाता है, डीएनए से उत्पन्न होता है, मतलब बनता कहां है, केंद्रक में, ये डीएनए से उत्पन्न होता है, और यह राइबोसोम की रचना में भी भाग लेता है, राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम को जो प्रोटीन का कारखाना जिसको बोलते हैं, राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन का कारखाना, क्योंकि प्रोटीन का जो निर्माण होता है राइबोसोम में होता है, और इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का रसोई घर भी कहा जाता है, किचन रूम, ठीक। तो इसमें वही चीज कह रहा है बच्चों कि यह क्या करता है, राइबोसोम की रचना में भाग लेता है तथा प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण का भी काम करता है, कौन, आर आरएनए। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इतना सरल आपको कहीं मिलेगा नहीं बच्चों, ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्या है, टी आरएनए। टीआरएनए करता क्या, इसी को कहते हैं, ध्यान से देना बबुआ, इसको अच्छे से समझना, जो टीआरएनए होता है इसी को अंतरण आरएनए, ठीक है ना, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं मतलब स्थानांतरण, टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर, ठीक। तो ये होता है टीआरएनए या स्थानांतरण आरएनए या अंतरण आरएनए, पूछा था इसी के बारे में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बट आपको नहीं होना है। देखिए टीआरएनए होता क्या है, टी का मतलब स्थानांतरण, ठीक है ना। तो यह कोशिका की कुल आरएनए का लगभग 15 से 18% भाग बनाता है, 80% तो भाई आर आरएनए बना देता है, तो 15 से 18% तक भाग बनाता कौन है बच्चों, वो होता है टीआरएनए। अब टीआरएनए पाया कहां जाता है, तो यह कोशिका द्रव्य में, उसमें क्या होता है, आर आरएनए कहां पर पाया जाता है, तो आर आरएनए केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसका काम क्या है बच्चों, तो ये विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल के अणुओं को ये पकड़ करके राइबोसोम पर लाते हैं, ठीक भाई, वहां से लाएंगे, सूचना इकट्ठा करते हैं, इनका काम होता है। और तीसरा है एम आरएनए, एम का मतलब मैसेंजर, संदेश वाहक, है ना, कहते ना कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, है ना भाई। तो ये चिट्ठी वाला काम कर रहा है, मतलब ये क्या करता है, संदेश, मतलब संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, इसका काम ये होता है, ठीक, ये संदेश को पहुंचाता है, ठीक है ना, ये संदेश वाहक आरएनए, इसीलिए कहते हैं कि ये संदेश को पहुंचाने का काम करता है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान देना, ये कुल आरएनए का 3 से 5% जो बचा खुचा भाग है वो ये होता है, ठीक है। इसका निर्माण कोशिका के डीएनए सांचे पर होता है, कहां पर होता है, डीएनए के सांचे पर होता है, और यह केंद्रक से आदेश लेकर मतलब वही संदेशा लाता है, कहां पर, ये राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है, ठीक, किससे आदेश लेकर के, केंद्रक से आदेश लेकर के, भाई उसको जब ये संदेशा दे देता है जाओ तुम अपना काम करो, तो ये राइबोसोम पर प्रोटीन बनाने का काम
करता है, ठीक है ना। और आपको भी एक काम करना है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मजा आ रहा हो, तो एक लाइक कर देना है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो ये है जैव विकास चैप्टर से, क्योंकि जैव विकास इसके पहले कट गया था और अब की बार आया है। 100 में 100% बच्चों पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, ठीक 100% हम जिसके बारे में बता रहे हैं बच्चों, ये 100% पूछा जाएगा, नहीं तो पेपर हो जाएगा ना, खुद आकर के मिलिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं 3 नंबर में ही, लेकिन इससे कम में नहीं आएगा, या तो 3 नंबर में या तो 5 नंबर में। एक क्वेश्चन है हमारा मिलर का प्रयोग, कि मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। ये हाई स्कूल में बहुत पहले था, अब तो हाई स्कूल से भी इसको गायब कर दिया है, ये चैप्टर ही हटा दिया है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद वाला, ठीक है ना। ठीक, तो ये चीज होता है, तो इसमें पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था उसको मतलब कुछ रखा गया है, कुछ हटा दिया है, कहीं कहीं पर है कहीं पर नहीं है, ठीक। तो आपके भी सिलेबस में ये पहले गायब था, अब की बार फिर से आ गया है, ठीक है। तो जैव विकास में देखिए, मिलर जो स्टैनले मिलर, इनका पूरा नाम है बच्चों, इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एक ठीक प्रैक्टिकल किया, एक इन्होंने प्रयोग किया कि किस तरह से जीवन, मतलब जीवन की उत्पत्ति हुई, किस तरह से इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व आया, ठीक। क्योंकि कहा जाता है जो बिग बैंग थ्योरी होती है वो क्या कहती है, कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी, ठीक। उन्होंने बताया हजारों सालों तक बारिश होती रही, पृथ्वी जलमग्न हो गई, उसके बाद इसमें छोटे छोटे घटक जो हैं, गैस हैं, जलवाष्प हैं, ये तमाम मेथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, इन सब का निर्माण हुआ और धीरे 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 पानी से ही नए जीवों की उत्पत्ति हुई। ये बिग बैंग थ्योरी बोलती है, ठीक। कभी कभार पूछ लेता है बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो जो हमने कुछ बताया वही छाप देना, वही है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसमें तो उसके भाई उस चीज को इन्होंने रिसर्च करने के लिए कहा, मतलब खुद ये चीज सोचा कि मैं ये चीज करता हूं। जैसे भाई कहा जाता है आज से बहुत साल पहले ऐसा एटमोस्फेयर था, उतने टेम्परेचर पर गर्मी थी, क्या हुआ, पानी से कैसे बना, सब कुछ इन्होंने अपने लैब में ही तैयार किया, ठीक। देखिए करें भाई, इसमें करते क्या है, इस फिगर को समझना है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है। इन्होंने किया क्या, सबसे पहले भाई जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए इन्होंने एक पूरा का पूरा ये तैयार किया अपना सिस्टम। इसमें इन्होंने किया क्या भाई, जितना टेम्परेचर कहा जाता है कि जितने टेम्परेचर पर भाई जीवों की उत्पत्ति हुई थी, उतना ही तापमान अपने लैब में इन्होंने मतलब ऐसा एटमोस्फेयर जनरेट किया, तैयार किया। और इन्होंने एक बड़ा फ्लास्क, लगभग आधा लीटर का ये फ्लास्क ले लिया, ठीक। और इस फ्लास्क में इन्होंने क्या किया बच्चों, इस फ्लास्क के अंदर गैसों का मिश्रण ले लिया, ठीक। इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने गैसों का मिश्रण ले लिया, जिसके अंदर भाई मेथेन, जिसको मीथेन हम लिख सकते हैं, मेथेन प्लस अमोनिया, मेथेन अमोनिया प्लस हाइड्रोजन, इन्होंने बच्चों ये 3 गैसों का मिश्रण लिया, ठीक। लैब में इन्होंने क्या किया, 3 गैसों का मिश्रण लिया एक फ्लास्क में। एक फ्लास्क में इन्होंने बच्चों मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को, इन गैसों को अगर हम बात करें बच्चों तो 2:1:2 के अनुपात में लिया। अब देखिए ये आगे पीछे बहुविकल्पी में आगे पीछे करके दे देगा, घबराना मत, इतना याद रखना जो मेथेन होता है और हाइड्रोजन उसका अनुपात 2:2 होता है, अमोनिया 1 के अनुपात में होता है। तो इन्होंने इस अनुपात में एक फ्लास्क में लिया, उसके बाद किया क्या बच्चों, इन्होंने यहां पर ठीक इलेक्ट्रोड की मदद से इसमें वैद्युत स्फुलिंग किया, कहने का मतलब इसमें अत्यधिक तेज, जैसे बल्ब होता है ना, उससे भी हाई टेम्परेचर पर इसमें प्रकाश उत्पन्न किया फ्लास्क के अंदर। उसके बाद ये होने क्या लगे भाई, ये बॉइल होने लगे, उबलने लगा। फिर इन्होंने क्या किया, एक और छोटा सा फ्लास्क इसी से संबंधित कर दिया, नली भाई 90° पर मुड़ी हुई, संपूर्ण पर मुड़ी हुई एक नली के माध्यम से इसका संपर्क, उबलते हुए जल, ठीक, मतलब यहां पर भी उबलता हुआ एक जल है, इसमें कर दिया, ठीक। और इसके बाद इसमें इसका संबंध एक यू आकार पर मुड़ी हुई नली से कर दिया। फिर उसके बाद होता क्या है बच्चों, जो कुछ भी होता है, मतलब ऐसे इसमें से गैस
पूरा मिश्रण निकलता है ऐसे धीरे धीरे यहां से आता है और ये संघनित्र द्वारा ठंडा होता रहता है। तो ये प्रक्रिया ऐसे बार 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 लगभग एक सप्ताह तक इन्होंने किया। उसके बाद देखा, एक सप्ताह के बाद देखा तो ये जो यू आकार की नली है इसके लेयर में इन्होंने एक गंदा लगभग लाल रंग, हल्के लाल रंग का एक गंदा ऐसा द्रव देखा, ठीक, जिसमें कुछ बूंद 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 करके कुछ इनको दिखाई पड़ा, ठीक। तो उसका जब इन्होंने भाई अध्ययन किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि इनमें ग्लाइसिन, एलनिन नामक एमिनो अम्ल और साथ ही साथ अन्य कार्बनिक यौगिक इसमें बने थे। तो ये होता है पूरा मिलर का प्रयोग, ठीक है। अब लिखेंगे क्या बच्चों, तो भाई लिखेंगे, देखिए अब ध्यान से समझ में आ जाएगा, अब आपको रटना नहीं है, ये फिगर ही थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। फिगर में हमने क्या बताया, अब देखिएगा कि स्टैनली मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति को के संदर्भ में एक प्रयोग किया। इन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया, ठीक। मतलब जैसा माहौल भाई आज से बहुत साल पहले था वैसा एटमोस्फेयर लैब के अंदर इन्होंने तैयार किया। उसके बाद मिलर ने एक बड़े से फ्लास्क में बच्चों मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस को 2:1:2 के अनुपात में, इस वाले फ्लास्क में इन्होंने क्या किया बच्चों, भाई कौन कौन सा गैस है, तो मेथेन CH4 प्लस का अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन H2, इन गैसों का मिश्रण लिया। तो इन गैसों का जब मिश्रण लिया बच्चों, तो उसके बाद किया क्या, गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया। देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रोड की मदद से इनको कि भाई ये क्या है, कैथोड एनोड छड़े हैं, इनकी वजह से इसमें तेजी से बिजली पैदा किया, ठीक, गर्म किया। और दूसरे फ्लास्क में, ये जो दूसरा फ्लास्क है इसमें जल को उबाल कर जलवाष्प जो बनाई, और जिसे क्या किया, एक भाई कह रहा है कि एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया गया, ठीक है, मतलब ऐसे बड़े से इसमें इस वाले में प्रवाहित किया, ठीक। इसके बाद दोनों के मिलने से बने मिश्रण को, जो इसमें मिश्रण बनता है यानी इनके द्वारा मिलने से जो मिश्रण बनता है, हमने बताया ना इस वाले में प्रवाहित करके, ठीक है ना, कंडेंसर में प्रवाहित करके इसको ठंडा किया गया। और ठंडे ठीक पदार्थ को यहां पर बच्चों यू आकार की नली में क्या किया, एकत्रित किया। जो गंदे लाल रंग का द्रव था, और एक सप्ताह तक इस प्रयोग को इन्होंने क्या किया, और उसके बाद जब निरीक्षण किया तो इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया था। तो इसी की वजह से, मतलब इससे भाई पता चला कि आज से ठीक बहुत साल पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, भाई इस प्रक्रिया से हुई है कहीं ना कहीं, ठीक। ये बात साबित हो जाती है कि हाँ भाई पृथ्वी आग का गोला थी, उसके बाद बारिश हुई और जल से ही सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ सबसे पहले, ठीक, जल से ही क्या है जीवों की उत्पत्ति हुई, ये बात साबित होती है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बाद में भाई रिसर्च किया तो उनको पता चला कि भाई ये जो नियम है ये काफी हद तक जीवन की उत्पत्ति के बारे में सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए भाई आपको भी एक काम करना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैमार्क वाद, ठीक। लैमार्क वाद को समझाइए। अब भाई लैमार्क वाद क्या है, देखिए एक है डार्विन वाद और दूसरा लैमार्क वाद, इसमें दो क्वेश्चन बहुत दमदार हैं। एक है कि लैमार्क वाद और डार्विन वाद की तुलना, और दूसरा है कि भाई दोनों अलग अलग नियम, ठीक। तो देखिए लैमार्क वाद कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है लैमार्क वाद। अब लैमार्क वाद बोलता क्या है, ठीक, क्या कहता है लैमार्क वाद। देखिए लैमार्क ने, अगर हम बात करें तो भाई इनकी जो बुक है उसके अंदर, ठीक, इन्होंने दो प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया था, ठीक है। पहला कौन सा, कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग पर, दूसरा उपार्जित लक्षणों की वंशागत। जो लैमार्क थे इनका कहना यह था, ठीक है, कि कोई भी जीव के अंदर जो भी परिवर्तन आता है, किसी भी जीव के अंदर जो परिवर्तन आता है
वो बच्चों अंगों के उपयोग या अनुपयोग की वजह से, दूसरा उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। ठीक, तो अंगों का उपयोग या अनुपयोग ये क्या कहता है, इसमें इन्होंने ये बताया कि भाई जिस जो जीव, ठीक है ना, जिस अंग का अधिक उपयोग करता है वो अंग धीरे 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 यानी उसका वृद्धि व विकास होता है, और जिस अंग का उपयोग ना किया जाए वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। ये इनका कहना था, ठीक है ना, इनका कहना था भाई कि कोई भी जीव जिस अंग का अधिक उपयोग, मतलब अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है, उस अंग का बच्चों अधिक विकास और वृद्धि होती है, और जिस अंग का उपयोग नहीं करता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। ये तो रहा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग पर। दूसरा सिद्धांत इन्होंने ये कहा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत, इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक जीवों के अंदर वातावरण के कारण परिवर्तन होते हैं और वो लक्षण उनके आने वाले संतानों में भी पहुंचते हैं और इससे धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। तो यहां पर लिखेंगे कि भाई इस नियम के अनुसार, यानी जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, इसके अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है, यानी उसकी वजह से उसे बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। ठीक, और यही उपार्जित लक्षण बच्चों उसकी संतानों में भी पहुंच जाता है और इससे धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। ठीक है, तो हालांकि इनके दोनों नियमों की जमकर आलोचना हुई थी, भाई ये बवाल खड़ा हो गया था। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था अंगों के उपयोग अनुपयोग पर, इनके भाई कभी कभार कहता है कि एग्जाम्पल देकर के समझाइए, तो इन्होंने बच्चों दो नियम दिया था, दो मतलब जीव के बारे में। पहला तो जिराफ का एग्जाम्पल दिया था, दूसरा दिया था सर्प का। ठीक, इन्होंने बताया कि जो जिराफ की गर्दन लंबी है वो ऐसे नहीं हो गई, बहुत समय पहले भाई पृथ्वी पर चरने के लिए कुछ बचा नहीं, धीरे धीरे उनको भाई वो छोटे मोटे पेड़ पौधे से खाने लगे पत्तियों को, उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद बड़े जो पेड़ थे उनमें अपनी आगे के टांगों को उठा करके और गर्दन ऊंचा करके खाने लगे, धीरे धीरे उनकी टांगे लंबी होती चली गई और उनकी संतानों में भी सब लंबी जाति वाले, लंबे गर्दन वाले और लंबी आगे कि जो टांगे हैं वो पैदा हो गए। दूसरी बात ये बताया कि पहले, इन्होंने ये बताया कि पहले सर्प के पैर हुआ करते थे, भाई उनको शिकार करने में बिल में घुसने में दिक्कत होती थी, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने सब पैर उठा करके वो चलने लगे, पैर उठाकर चलने लगे, रेंगकर धीरे धीरे पैर समझिए विलुप्त हो गए और उसके बाद एक नई नस्ल तैयार हो गई। ये तो एकदम चुतियाफा वाली बात हो गई है ना भाई, जो बिना कुछ सोचे समझे जो मन में आया वो लिख दिया, तो ये चीज होता है। तो भाई इनकी आलोचना दूसरा ये कहा था, दूसरा इन्होंने ये बताया कि जो लक्षण किसी जीव के अंदर है उपार्जित लक्षण, यानी इस एटमॉस्फेयर में जो लक्षण किसी को मिला है वो उनके संतान में जाएगा। तो इनकी आलोचना इतनी जमकर हुई, बहुत लोगों ने कहा कि भाई किसान मतलब जो लोहार होते हैं उनकी अक्सर जो भाई भुजाएं होती हैं थोड़ी ताकतवर, भाई उनकी संतान में क्यों नहीं होती, अर्थात पहलवान की संतान पहलवान क्यों नहीं होती, डॉक्टर की संतान डॉक्टर की ही क्यों नहीं होती है। फिर और उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई भारत में जैसे बहुत लोगों ने आलोचना किया कि भारत में कान और नाक छेदने की प्रथा है लड़कियों में बच्चियों में, तो भाई जब लड़की का जन्म होता है तो कान और नाक क्यों छेदे नहीं रहते, उसमें छेद रहना चाहिए ना। फिर जैसे एग्जांपल इसका है कि भाई किसी व्यक्ति का मान लेते हैं युद्ध में या एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाए, ठीक, हाथ पैर कट जाए, आंख फूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनकी संतानें सही सलामत कैसे पैदा हो जाती, वो फिर नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये सब उपार्जित लक्षण है। तो इस वजह से इनके दोनों नियमों की आलोचना जमकर हुई थी। ठीक है, तो ये होता है लैमार्कवाद। डार्विनवाद भाई वो अलग होता है, उसको हमने बताया है, आप जाकर देखेंगे बच्चों प्लेलिस्ट में वीडियो, तो वहां से आपको मिल जाएगी। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी के पार्ट को बच्चों हम आगे के 7वें चैप्टर से 13वें चैप्टर को आगे के वीडियो में निपटाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए जब तक हम हैं, क्योंकि ये रटने वाला चीज है नहीं, बस समझ गए तो एकदम बल्ले बल्ले। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।